कृष्ण। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की स्टडी किया। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो एक इनविजिबल फिनोमिना है, ओके, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, ओनली टेस्ट चार्ज के ऊपर वो एक्सपीरियंस होता है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, ओके। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना तो उसको फील्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं, फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर जैसे कि हमने मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट को आप लोग सभी ने देखा होगा, बार मैग्नेट की बात करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर क्या होता था, तो क्योंकि दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। अभी इस बार मैग्नेट को हम कोई पेपर के ऊपर रखे और उसके ऊपर पाउडर हम ला रहे, आयरन पाउडर, तो आयरन पाउडर ऐसे अरेंज हो जाता है, ओके, पोल के पास हमें से कुछ पैटर्न में लिख रहे, उस पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो तो हम देख सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है वो इनविजिबल, ओके, तो उसको रिप्रेजेंट करना हो हमें तो कैसे करें, तो उसको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम फील्ड लाइन से करते हैं। फील्ड लाइन क्या है, तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जब हमें पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के फॉर्म में कर सकते हैं, ओके, क्लियर है यहाँ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को डेफिनेशन देना होगा, कैसे दे सकते हैं हम, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन क्या है, तो कि वो इमेजिनरी लाइन्स है, और वो क्या है, तो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को एज अ पिक्चर में, ओके। डेफिनेशन के थ्रू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो दिस आर दोस कर्व इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एट विच बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट ऑन इट वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट, ओके। तो ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, और हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, अभी पॉजिटिव चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट क्रिएट करे, अभी हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखें, उसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखे तो पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे सभी डायरेक्शन में हम टेस्ट चार्ज को लेके जाए तो वो सभी डायरेक्शन में आपको ऐसे फील्ड मिलेगा, ओके। इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन ही क्या है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन मतलब में जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, ओके, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन होगी वो रेडियली इनवर्ड होगी, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो फील्ड लाइन को। जो मैं स्ट्रेट लाइन दिखा रहा हूँ वो क्या है, पिक्चरल रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को शो कर रही है आपको, ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फील्ड लाइन को हम छोटी दिखा जाएंगे, क्यों ऐसा, तो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इक्वल्स टू ई क्या है, तो यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आप पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसे दिखा सकते हो, जो नजदीक वाला जो है उसमें हम ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने के लिए फील्ड लाइन ज्यादा थोड़ी लंबी दिखाएंगे, और दूर वाले जो है, ओके, उसको हम छोटी दिखाएंगे। इसका मतलब है नजदीक पे मतलब सोर्स चार्ज के नियर में फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे फील्ड लाइन की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी, ओके। ये तो हमारे पास दो चार्ज की बात हुई, फर्स्ट चार्ज था हमारा पॉजिटिव, ओके, अच्छे से ड्रॉ करे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये प्लस चार्ज है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये रोटेड लाइन से दिखा सकते हो ऐसे। इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाएगी, ओके, क्लियर है। ये फर्स्ट क्यू इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव चार्ज के, क्यू इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए, ओके। अभी हम सिस्टम की बात करते हो, सिस्टम के अंदर भी हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम लेते हैं दो अपोजिट चार्ज का, एक लेते हैं प्लस चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन इमर्ज होती है, बाहर की तरफ निकलती है, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन एंड होती है मतलब एंटर होती है, मतलब रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड। तो ड्रो करना होगा कैसे करें, क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को रखे, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर इसके वजह से पॉजिटिव चार्ज पे जिस फोर्स कहां पे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ई प्लस, नेगेटिव चार्ज पे जिस कहां लगेगा
इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये दोनों का रिजल्टन इसके बीच में होगा। अब ये रिजल्टन होगा ये अपना, अगर सिमिलर यहाँ पे डिस्चार्ज को रखे तो इसके वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ गिरी, क्यों इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ये डिस्चार्ज को फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है। ओके, सिमिलर पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो रिजल्टन ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ मतलब जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जैसे, तो ये अपना कर्व कैसे बनेगा। ओके, इसको वापस से रिप्रेजेंट करूं मैं तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सिस्टम है तो फील्ड लाइन है ऐसे होगी। ओके, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही इसमें एरो इस तरफ और नेगेटिव चार्ज में एंटर होगी। ओके, और कुछ फील्ड लाइन इधर भी दिखा सकते हो, ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ आती हुई दिखाना है। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो सिस्टम था, ओके, उसके अंदर फिर थर्ड ले लेते हैं सेम चार्ज, सेम चार्ज कौन सा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो इसमें टेस्ट चार्ज को बीच में रखेंगे, तो बीच में रखेंगे तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट का है, मतलब यहाँ पे नेट जो है फील्ड वो जीरो हो जाए, मतलब ये बीच वाला रीजन होगा न्यूट्रल होगा, तो वहां पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वहां पे हमें फील्ड लाइन नहीं निकालनी, फील्ड लाइन इतनी ही रहेगी। ओके, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, तो ये रिपल करेंगे क्योंकि ये दोनों कैसे है, तो पॉजिटिव सेम नेचर के, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है जैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। ओके, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करना हो तो नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस, सेम ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी हम तो प्लेट की बात करें, मान लो कि अपने पास कोई चार्ज प्लेट है, अपने पास कोई चार्ज प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉजिटिव, तो फोर्स की फील्ड लाइन कैसे होगी, तो ये बाहर की तरफ होगी। ओके, इसको थ्री डी में इमेजिन करो, दोनों साइड की फील्ड लाइन होगी इससे। ओके, नेगेटिव प्लेट की बात करें तो नेगेटिव प्लेट मतलब नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लीनियर हुआ है, तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ ऐसे लीनियरली इनवर्ड। ओके, और दो प्लेट का सिस्टम ले लो, सिस्टम ले तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो यहां से स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी, स्टार्ट होगी एंड होगी इससे मिलेगा और ये एंड पे फ्रिंजेस मिलेगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले कैपेसिटर में, तो फील्ड लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का। तो ये फील्ड लाइन की कुछ अपने पास प्रॉपर्टी या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, उसको याद रखने के लिए हम एक शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट क्या है, तो स्पीड आइस एक बढ़िया रखना है, स्पीड आइस। ओके, स्पीड आइस को हम आगे लाइन में लिखेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी। स्पीड आइस में एस है, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, मतलब फील्ड लाइन कहां स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होती है और एंड कहां होती है, नेगेटिव चार्ज। ओके, पी का मतलब है परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, इसका मीनिंग क्या है, तो क्या आप लोगों ने कंडक्टर तो देखे, फॉर एग्जाम्पल हम एंटेना ले लें, ओके रेडियो एंटेना देखा सके हैं, तो रेडियो एंटेना कुछ इस तरह से होता है, तो उसके ऊपर फील्ड लाइन कैसे होगी, कंडक्टर है तो फील्ड लाइन होगी ऐसे, इसके परपेंडिकुलर ही होगी। ओके, परपेंडिकुलर ही क्यों, पैरेलल क्यों नहीं, तो मान लो कि अपने पास कोई स्पीयर थ्री डी सर्कल सपोज करना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसे, तो इसमें फील्ड लाइन कैसे होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, लेकिन हम सपोज करेंगे परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल ऐसे होती है, ऐसे ऐसे नहीं होती, लेकिन हम सपोज कर रहे कंसिडर कर रहे कि फील्ड लाइन पैरेलल हो, अभी पैरेलल होगा तो इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हमें पैरेलल कंपोनेंट ले रहे फील्ड का, तो पैरेलल कंपोनेंट और फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब ये चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, डिस्प्लेस होगा उसका इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ओके मोशन करेगा, अभी कंडक्टर के ऊपर चार्ज मोशन करेगा पैरेलल कंपोनेंट होगा, तो जैसे हम कंडक्टर को हम टच करेंगे हमें करंट लगेगा, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि रेडियो का एंटीना को हम छूते तो हमें करंट लगता है, मतलब मैं ऑलवेज जो
फील्ड लाइन होती है वो परपेंडिकुलर ही रहेगी कंडक्टर के, कोई भी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर। ओके, अभी इंटेंसिटी मैक्सिमम व्हेन क्लोजली पैक एंड इंटेंसिटी मिनिमम व्हेन लूजली पैक, इसका मीनिंग क्या है? तो कि मान लो कि अपने पास कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो यहाँ पे दो अलग अलग एरिया ले रहा हूँ, ये ए और बी, तो ई बी इज स्मॉलर देन ई ए, इसका मीनिंग क्या है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जहां पे फील्ड लाइन क्लोजली होगी, ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगी, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मोर होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है लूजली पैक होगी वहां पे क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ओके, सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी फोर्थ है, उसमें क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट, इसका मीनिंग क्या? तो क्या हमें पता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ऐसे फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते थे, ये पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है, नेगेटिव एंड होती है, तो ये कर्व के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर, मान लो कि पॉइंट ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर, तो टेंजेंट की डायरेक्शन हमें क्या देगी, तो उस पॉइंट के पास से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन देगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो पर्टिकुलर जैसे जैसे हम कर्व के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते जाए, तो टेंजेंट की डायरेक्शन हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, टेंजेंट किसी डायरेक्शन में है, फोर्स की, और फोर्स की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अभी फिफ्थ है वो इंटरसेक्ट नेवर, कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे दो फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही, ये दो फील्ड लाइन, तो ये पॉइंट के पास दो टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट कैसे, तो देखो एक तो इसके ऊपर टेंजेंट बनेगा और एक इसके ऊपर टेंजेंट बनेगा, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट के पास दो फील्ड लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, दो टेंजेंट मतलब दो फील्ड लाइन कभी भी पॉसिबल ही नहीं, फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी पर्टिकुलर एक पॉइंट के पास। ओके, मतलब में दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, फिर थर्ड जो सिक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडल है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे सुकड़ जाना, तो सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हम जाएंगे ऊपर की तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा। ओके, और एग्जैक्ट लेटरल प्रेशर, तो लेटरल प्रेशर का मतलब क्या है, तो जब हम लाइट चार्ज देते हैं तो लाइट चार्ज के बीच में ऐसा रिपल्शन दिखेगा, मतलब थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट होते हुए दिखेगा, मतलब एग्जैक्ट लेटरल प्रेशर, जैसे कि लाइट चार्ज होगी तब और अनलाइट चार्ज होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल। ओके, लास्ट में आप देख सकते हो नेवर फॉर्म क्लोज लुक, तो कभी भी वो क्लोज लुक नहीं बनाते क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव में एंड होते हैं, लेकिन नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में नहीं जाए। क्लोज लुक का मतलब क्या है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रहे हैं हमें पता है, लेकिन वापस नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आ रहे, यहाँ से यहाँ के ए टू बी गए और बी टू वापस ए आ गए, इसका मतलब ये क्लोज लुक बना रहे, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉसिबल नहीं है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लुक नहीं बनाए। ओके, वो स्टार्ट हो गए पॉजिटिव से एंड हो गए नेगेटिव से, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की करेक्टरिस्टिक्स या तो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, शॉर्टकट याद रखना स्पीड आइस। ओके, शॉर्टकट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या याद रखना है, स्पीड आइस। ओके, स्पीड आइस को फिर आगे आप एक्सपांड कर लेना, इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर, आई का मतलब इंटरसेक्ट नेवर, टी का मतलब टेंजेंट एट एनी कर्व सरफेस, फिर आई का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, सी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ई का मतलब एक्सटेंड लेटरल प्रेशर, एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो नेवर फ्रॉम क्लोज लूप। ओके, ऐसे 8 या 9 जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना, नोट करो और नेक्स्ट आगे टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट।